हेलो हेलो एवरीवन, हाउ यू? हेलो, फाइन। अच्छा, अभी कुछ दिन तक ना एवरीबडी हैव यू बीन मैसेजिंग व्हाट्सएप पे मैसेज? अभी कुछ दिन रोक दो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि मेरा फोन का इशू है, तो 3 4 दिन जो है व्हाट्सएप मैसेज मत ही करो तो बेहतर है, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, सम ऑफ यू मे बी मैसेजिंग, यू कैन डू इट फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स। सैटरडे से कर सकते हो, सैटरडे ऑनवर्ड्स कर सकते हो। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द होमवर्क पार्ट व्हिच वाज गिवन टू यू, है ना? तो होमवर्क पार्ट बताइए क्या था, व्हाट वाज द होमवर्क? होमवर्क क्या था एक बार बताना। एक्सरसाइज 7 में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 7 में से कुछ होमवर्क दिया गया था? हाँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7 में जो दिया गया था उसमें से कौन कौन सा पार्ट में डाउट है ये बताओ। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 7 की बात कर रहे हैं, इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 7 की बात हो रही है। इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में बताइए कौन कौन सा पार्ट में डाउट है, इसमें किसी में डाउट है बताओ। कौन कौन सा डाउट है, मतलब जो तुम्हें पूछना है, जो दिया गया था उसमें से कौन कौन सा पार्ट में डाउट है, किसी में डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट? जो इंडेक्स एक्सरसाइज 7 दिया गया था उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, फाइन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 से दिया था ना क्वेश्चन, एवरीबॉडी मुझे बताना एक बार, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन दिया गया था, राइट? यस। तो कहां से तक दिया गया था? 54 से कहां तक? ओके, 54 से, हाँ ठीक है ठीक है, 74 तक, चलो ठीक है। तो बताओ 50 एक्सरसाइज मतलब 54 से 56 तक कोई डाउट है? 54 से 56 तक कोई डाउट है? 56 तक कुछ नहीं, 57 से 60 तक? ओके, 57। तो देखते हैं क्वेश्चन 57 क्या है। फॉर द एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अच्छा, ये एक से ज्यादा आंसर है क्या इसके? एक ही सिंगल करेक्ट वाले हैं 57 के, एक से ज्यादा आंसर है? देखते हैं। देयर आर 7 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। देखो, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स जो है वो तो कोई भी हो सकता है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल्स एंड कंटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ए वाला तो पूरी तरह से सही नहीं बोलेंगे। सेकंड एनर्जी लेवल क्या है? सेकंड एनर्जी लेवल इज एन इज इक्वल टू 2, तो इसके सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं बताओ? 0 और 1, यानी क्या 2s और 2p, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसके सब एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे 2s और 2p। तो अब इसके 4 सब एनर्जी लेवल्स होंगे क्या? एवरीबॉडी, इसके 4 एनर्जी सब एनर्जी लेवल्स होंगे? नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो ये वाला तो गलत है ना पूरी तरह से। फाइन, ओके, तो नाउ लेट अस मूव अहेड टू द थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी। द एम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो के एल एम, तो ये होगा 2, ये होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो अब देखो 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना होगा? 32 होगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एंड 4s सब एनर्जी लेवल इज हायर एंड 3d। देखो होता क्या है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, है ना, फिर क्या आता है 4s, फिर आता है 3d। तो अब ये तो लोअर एनर्जी लेवल पे है, इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या सही हुआ बताओ, 57 का आंसर क्या सही हुआ? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड कीजिए, 57 का आंसर क्या सही हुआ? 57 का आंसर क्या सही हुआ? कोई कुछ बोलता ही नहीं। फाइन, सी। सो दैट इज आवर आंसर, द आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 57 के बाद। ओके, बट इट इज गिवन एज बी। अच्छा, बी दिया है,
सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव फोर सब एनर्जी लेवल्स एंड कैन हैव मैक्सिमम। तो ये फोर सब एनर्जी लेवल्स का मतलब देखो, सब एनर्जी लेवल्स को यदि ये ऑर्बिटल बोले ना तो हो सकता है। सब एनर्जी लेवल क्या होता है? सब शेल होता है, इसमें चार ऑर्बिटल हैं। और के एल एम में देखो क्या है, एक सेकेंड, तब ये हो सकता है। हमने गलत किया यहाँ पे, ये 1 2 3 होगा, सॉरी ये गलत है, क्या कर रहे हैं के एल एम एन में, सॉरी ये चीज 2 से स्टार्ट किया है। सी के एल एम, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सॉरी ये 2 से स्टार्ट कर दिया, दिस इज 2 × 3 स्क्वायर, ये 18 होगा, ये तो गलत है ना। सी सॉरी सी इज रॉन्ग, गलत से ध्यान नहीं दिया। और ए तो देखो, ए तो ऐसा गलत है ही, बट इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। इन दैट केस यहां पे इनको लिखना चाहिए कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 2 के इट हैज 4 ऑर्बिटल्स, तो सही होगा। px, py और pz जो है ना, दे आर ऑर्बिटल्स। सब एनर्जी लेवल्स नॉर्मली हम सब शेल को बोलते हैं, ठीक है, सब एनर्जी लेवल्स को हम सब शेल बोलते हैं। तो ठीक है, बाकी ऑप्शंस के हिसाब से तो यही सही बन रहा है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट, ओके 64, देखो क्वेश्चन 64 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। देखो ए ऑप्शन है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, एम एल इज इक्वल टू -1 एंड एम एस इज इक्वल टू -1/2। देखो n इज इक्वल टू जब 2 होगा तो l इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? n इज इक्वल टू 2 पे n इज इक्वल टू 1 हो सकता है ना, यहाँ तो 0 और 1 अलाउड है, और ml कहां से कहां तक हो सकता है, -1, 0 और +1, तो ये तो अलाउड है, ठीक है। पूछा है पॉसिबल है या नहीं, तो दिस इज पॉसिबल, राइट। पूछा है कौन सा कि नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। नाउ टॉक अबाउट ऑप्शन 2 यानी बी, n इज इक्वल टू 3 में l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, एवरीबॉडी ओके। ml इज इक्वल टू -3 पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर तुम्हारा बी। वी कैन ऑल्सो चेक द अदर ऑप्शन, लाइक लेट्स से n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड s इज इक्वल टू +1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू -3 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। अरे दोनों पॉसिबल नहीं है, फिर आंसर है इसका नॉट पॉसिबल, ये सेम ऑप्शन रिपीट हो गया, आंसर इज बी एंड डी। अरे ms -1/2 का मतलब नीचे वाला स्पिन है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? -1/2 का मतलब नीचे है स्पिन, तो इसमें आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट, नेक्स्ट 65 क्या है, विच ऑफ द इज नॉट करेक्ट, फिर वैसा ही है। देखो n इज इक्वल टू 2 पे l इज इक्वल टू 0 और ml इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एवरीबॉडी ये पॉसिबल है, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, ये पॉसिबल है ना, पूछा है नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, ये है पॉसिबल। ऑप्शन डी की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 5 पे l इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, ml इज इक्वल टू +2 और ms इज इक्वल टू +1/2, ये पॉसिबल है। 4 पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर क्या दिया है,
एन इज इक्वल टू टू पे एल इज इक्वल टू टू एम एल इज इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है क्या एवरीबडी? ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, एल जीरो से एन माइनस वन तक होता है, तो ये हो जाएगा आंसर, नॉट पॉसिबल। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सी नेक्स्ट बताइए। ओके, देखो हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ऑन ऑर्बिटल, ये क्या आ जाएगा बताओ? ये 4l प्लस 2 होता है, ये पता है ना तुम लोगों को। डी में पांच डब्बे होते हैं एक्चुअली, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, है ना? तो अब पांच डब्बे कैसे निकालते हैं? टू इंटू टू प्लस, मतलब 2l प्लस 1 होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए पांच आ गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मतलब ये ऑर्बिटल पांच हो गया और इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल, तो 4 इंटू टू प्लस 2 10 आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट बताइए। आंसर में ए है एक्चुअली, इनको डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल लिखना चाहिए, डी एक्स वाई डी वाई जेड, वो इस तरह के ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये एक डब्बे की बात कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। वैसे देखो नॉर्मली जैसे डी ऑर्बिटल की बात की जाए तो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल तो एक ही होगा ना, तो जब हम डी बोलेंगे तब तो ऑब्वियसली डी बोलेंगे तो हम 10 बताएंगे, क्योंकि हम डी बोलते हैं तो डी सबशेल बोलते हैं। जैसे पर्टिकुलरली पूछेंगे कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं, फिर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये भी एक तरह के ऑर्बिटल हैं, इनके बारे में पूछा गया ना तब तो हम बताएंगे, बट नॉर्मली डी सबशेल पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन में होना चाहिए डी ऑर्बिटल, जैसे ऐसे पूछना चाहिए डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो हम आंसर दे पाएंगे। यदि सिर्फ डी सबशेल पूछा है, डी सबशेल पूछा है तो हम आंसर 10 ही देंगे, लेकिन इसने क्या पूछा है? डी ऑर्बिटल पूछा है, नहीं तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनको ये पूछना चाहिए कि ये डी सबशेल है या फिर डी ऑर्बिटल है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ठीक है ना। डी सबशेल में 10 देंगे आंसर, और कोई एक पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल होगा तो हम 2 देंगे आंसर। नेक्स्ट बताइए, 66 के बाद 67। In nth quantum number, the number of electronic subshells. In देखो मान लो तुम्हारे पास n is equal to 1 है, तो subshell कितना होता है? L is equal to 1, 1 is 1. N is equal to 2 है, तो L क्या होगा? 0 और 1, तो subshell कितना हुआ? देख लो 2s 2p. N is equal to 3 में क्या होगा? L होगा 0, 1, 2, तो 3s 3p 3d. ठीक है? Okay. उसी तरह से n is equal to 4 में क्या आएगा? L आएगा 0, 1, 2, 3. 4s, 4p, 4d, 4f. तो अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? n is equal to 1 में subshell 1 आया, n is equal to 2 में subshell 2 आया, n is equal to 3 में subshell 3 आया, तो n is equal to 4 में क्या आएगा? तो nth आंसर क्या आया बताओ? n आएगा, is that clear? Next बताइए 67 के बाद, 70. Okay, 70. मैग्नेटिक क्वांट एंड स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -1 और स्पिन क्वांटम नंबर है +1/2, तो अब -1 किसमें हो सकता है बताओ? देखो यदि हम s की बात करें तो l हो सकता है 0, तो इसके लिए ml हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 0, यदि हम p की बात करें तो l होता है 1, तो इसके लिए l हो सकता है -1 0 +1, फिर d की बात करें तो l होता है 2, तो ml क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 +2। सिमिलरली यदि हम f की बात करें, l 3 होता है, तो ml होगा -3 -2 0 1 ऐसा। Is that clear? तो अब बताओ किसके किस में आ रहा है?
इसमें आ रहा है ना, पी में आ रहा है, डी में आ रहा है, एफ में आ रहा है, पूछा है किसमें नहीं आ रहा है, तो बताओ किसमें नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी किसमें नहीं आ रहा है, तो एस में नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा एस। ओके नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, सेवेंटी फोर, सेवेंटी फोर दिया है क्या, सेवेंटी फोर तो नहीं दिया मैंने, नेक्स्ट क्या सेवेंटी फाइव दिया होगा, सेवेंटी फाइव में डाउट है, सिद्धांत से 71, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एवरीबॉडी 71 का आंसर क्या होगा बताओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड नहीं करता है, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था, एच बाई टू पाई रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन बोर मैग्नेटन, यही था ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो अब बताओ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर, इज दैट क्लियर, तो इसका तो फॉर्मूला होता है ना, फाइन, और कुछ है, ओके तो लेट अस स्टार्ट, आगे का पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑफबो प्रिंसिपल, याद है तुम लोगों को, डू यू रिमेम्बर ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल क्या होता था कि हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं किस तरह से, वी फिल एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इज दैट क्लियर, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, उसको भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और उसमें जिस हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जिस हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से एनर्जी बढ़ती जाती है उस हिसाब से बढ़ते हैं, तो हमें ये सीक्वेंस था ना हमारे पास, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, ये सीक्वेंस आया था, इसमें किसी को डाउट है, ओके फिर ये सब समझ में आ गया था, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट समझ में आया था, हमने ये पढ़ा था ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट किसके लिए, फॉर अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हमने पढ़ा था ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट फॉर अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक क्वेश्चन छोटा सा करो है ना, ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड आउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट फॉर एच माइनस आयन, फाइंड आउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट फॉर एच माइनस आयन, एवरीबडी व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताइए सब लोग, देखो एच माइनस का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, एच माइनस का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो गया, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है राइट, जीएस लिख दूं मैं इसको, नाउ यदि मैंने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s से एक इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा, तो ये आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट राइट, एवरीबडी इज दैट क्लियर, ओके इसी तरह से मान लो तुमसे पूछा गया क्या कहते हैं कि क्वेश्चन है
फाइंड आउट ग्राउंड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर नाइट्रोजन एटम. तो क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या आएगा? ये ट्राई कीजिए एवरीबॉडी. ग्राउंड स्टेट 2p एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया है. हाँ गुड आर्यन, सही है तुम्हारा आंसर. ओके एवरीबॉडी डन? ठीक है ठीक है. तो आसान है, क्या है इसमें, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 राइट. तो अब इसका इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दिस इज 1s दिस इज 2s एंड दिस इज 2p राइट. सो दिस इज लेट्स से ग्राउंड स्टेट. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यदि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या होगा बताओ. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2p से इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा और कहां चला जाएगा, 3s में. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बताओ. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन 3s से चला जाएगा किसमें, 3p में. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है 3s से भाग जाएगा किसमें, 3p में. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है, लिख लिया है सबने. ओके सर, इलेक्ट्रॉन श्रेयस बोले बॉक्स में पेयर क्यों नहीं रहे. अरे बॉक्स में पेयर इसलिए देखते हैं, ये आगे आएगा, हुंस रूल में आएगा श्रेयस. ठीक है रुक जाओ, नेक्स्ट रूल है उसका, उसमें आएगा. बहुत सारे रूल्स होते हैं ना, हमने पढ़ा था 3 रूल्स थे, अभी एक ही पढ़ा है. अभी है कॉन्सेप्ट डीजेनरेसी इन एन एटम, या ऐसा करते हैं डीजेनरेसी एक्चुअली किस डिफाइन होता है एनर्जी लेवल के लिए. तो लेट अस राइट डीजेनरेसी फॉर एन एनर्जी लेवल. देखो डीजेनरेसी डिफाइन करते हैं कैसे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल having same value of energy. देखो number of orbitals in an energy level having same value of energy. तो यदि हम multiple electron system के केस में बात करें, multiple electron system के केस में, तो multiple electron system में जैसे तुमसे पूछा जाए, सबसे पहले क्या आएगा 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा बताओ 3p, फिर क्या आएगा बताओ 4s, फिर 3d. तो डीजेनरेसी क्या है, इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है. ये सारे एनर्जी लेवल्स है ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हुआ, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब बताओ 1s में कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी, 1s में कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है.
एवरीबडी 1s में, हाँ गुड, एक 2s में भी एक, इसमें कितना तीन, इसमें एक, इसमें तीन, इसमें एक और इसमें पांच. एवरीबडी इज दैट क्लियर? अरे एक ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम है ना. तो जब हम डी जेनरेसी डिफाइन करते हैं तो डी जेनरेसी का मतलब होता है कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डी जेनरेसी इज, यहां पे हम डी जेनरेसी सीधा लिखें 2L+1. इज दैट क्लियर? एवरीबडी कैन वी राइट 2L+1? बिकॉज वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि एनर्जी लेवल क्या है, सबशेल क्या है, राइट? ओके चलो फिर अब ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर लें. जो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे तुमसे पूछा गया कि भावेश नहीं समझ में आया. देखो भावेश बहुत आसान है, तुम ऐसे लिखते हो ना, 1s में एक डब्बा, 2s में एक डब्बा, 2p में तीन डब्बे, राइट? 3s में एक डब्बा, 3p में फिर से तीन डब्बे, 4s में एक डब्बा और 3d में पांच डब्बे, राइट? तो अब डी जेनरेसी का मतलब होता है कि कितने डब्बों की एनर्जी सेम है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में. ये समझ में आया? जैसे तुम एक बिल्डिंग में चढ़ रहे हो तो पहला बिल्डिंग में जो फ्लोर है या फिर मान लो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक कमरा है, तो तुम कितने कमरे में रह सकते हो, एक में रह सकते हो. तो तुम्हारे पास ऑप्शन यहाँ एक ही है कि ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हें सिर्फ एक कमरा मिल रहा है. तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, 2s दूसरा एनर्जी लेवल है, उसमें भी एक कमरा ही मिला. फिर लेट से तुम चले गए नेक्स्ट ऊपर थोड़ा सा, थर्ड में चले गए तो इसमें तीन कमरे मिल गए, फिर इसमें चले गए तो एक कमरा. तो अब यहां पर तो L ही डिसाइड कर रहा है ना, तो डी जेनरेसी यहां पे क्या होगा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, बताओ? यहां पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डी जेनरेसी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, वो क्या आएगा, 2L+1. भावेश ये बात समझ में आ रही है? भावेश इज दैट क्लियर नाउ? तो चलो भावेश एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, इसका आंसर करो, ठीक है? Find out first excited state for F minus ion. First excited state for F minus ions and hence calculate its degeneracy. इसका degeneracy बताओ. Everybody, first excited state का क्या है वो बताना है और उसके बाद उसकी degeneracy बतानी है. बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, प्रथमेश, श्रेयस, सुमति, नहीं तुम्हारा आंसर तो गलत है, पार्थ सही है, गुड. ये जिसने पूछा था भावेश, तुमने आंसर दिया है? भावेश तुम्हारा आंसर क्या है? भावेश तुमने पूछा था यार इसको कि तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत है, अब तो तुम बताओ. नहीं आ रहा क्यों? क्यों नहीं आ रहा भावेश? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. भावेश तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया है? F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बताओ. F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भावेश, ये बता दो. F माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये तो बता सकते हो. 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s, 1s में कितने आ सकते हैं 2, फिर 2s में कितने आ सकते हैं 2, फिर 2p में कितने आ सकते हैं 6, 10 हो गए, 10 हो गए ना. अरे यार अब तो बताओ 10 हुए. हाँ तो अब हम बात कर लेते हैं 1s, हम बात कर लेते हैं 2s, ठीक है? फिर हमने बात करी किसकी, 2p की, राइट? हमने बात करी 2p की. तो 2p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए. तो अब यही ग्राउंड स्टेट हुआ ना, सबसे ऊपर वाला ग्राउंड स्टेट होता है. तो ग्राउंड स्टेट तो इसमें पूछा नहीं गया आपसे, आपसे पूछा गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, है ना? और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा,
ठीक है, कहां से निकलेगा? जो सबसे ऊपर है वहीं से निकलता है, हमने ये पढ़ा था, जो सबसे ऊपर होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या है भावेश, इसके 2p के बाद क्या आता है? भावेश 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो अब 3s में कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है? एक। तो डी जेनरेसी क्या है? डी जेनरेसी ऑफ 3s क्या आएगा? 1 आएगा। एवरीबडी इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको लिखना है, ये तो आसान चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखना है क्या? एक साइड का सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या एक काम करोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन एक साथ कर ले उसके बाद लिखोगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक साथ कर लेते हैं, जैसे मल्टीपल में किया वैसे ही सिंगल में कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ लिख लेंगे, चलेगा? ठीक है। अब देखो, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो जानते हैं कि सबशेल का कोई वजूद होता नहीं है, यहाँ 1s करके कुछ नहीं होगा, सीधा n is equal to 1 होगा, फिर n is equal to 2 आएगा, फिर n is equal to 3 आएगा, फिर n is equal to 4 आएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी इज सिंपली 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Everybody is that clear? इसमें किसी को डाउट है? ये तो हमने पढ़ रखा है ना। Everybody please say yes or no. Okay. तो अब तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे 1s होगा, यहाँ पे भी तो 2s 2p होगा, यहाँ पे भी 3s 3p 3d होगा, यहाँ पे भी 4s 4p 4d 4f होगा, बट इन सबकी एनर्जी सेम है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ओरिएंटेशन एक्चुअली में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो रिपेल करते हैं, तो जिस रास्ते में ये जा रहा है कोशिश करता है उस रास्ते में ये ना हो, और ये जिस रास्ते में, देखो अलग अलग ओरिएंटेशन से, जैसे हमने पढ़ा था 2s और 2p होता है, तो s के रास्ते में p नहीं आता ताकि वो रिपेल ना करे, ठीक है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अजीब गरीब ओरिएंटेशन इसलिए ले लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को रिपेल ना करे। जैसे मान लो मोहल्ले में चार गुंडे हैं और चारों तगड़े हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई जीत नहीं पाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपना चार अलग अलग इलाका बना लेंगे, इधर तू रह, इधर तू रह, इधर तू रह, इधर तू रह। लाइकवाइज देयर आर पीपल वर लिविंग इन सेपरेट एरियाज, राइट, एंड देयर इज नो चांस ऑफ देयर, बोल सकते हो एनकाउंटर, उनका झगड़ा होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने अपने इलाके बांट रखे हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन क्यों लेते हैं अलग अलग, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में सारे एक साथ घूमेंगे तो रिपेल करेंगे ना। अब जब यहाँ पे ओरिएंटेशन, मान लो अब इलाका में सिर्फ एक ही है, क्या गुंडा, तो वो तो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए सब उसका ही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 में जितने ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम है, यहाँ पे भी सबकी एनर्जी सेम है। तो अब देखो फर्स्ट सेल में क्या आया, एक ऑर्बिटल, तो एक, ठीक है। यहाँ पे डी जेनरेसी क्या आया, एक, यहाँ पे देखो क्या है 2s में एक और 2p में तीन, चार, यहाँ पे क्या है एक और तीन चार, और ये पांच नाइन, और ये क्या है देखो एक और तीन चार और पांच नौ, नौ और आठ नौ, हाँ नौ और आठ नहीं, नौ और सात, 12+1 ना, सात हो जाएगा, तो हो गया 16। समझ में आ रहा है ये? तो डी जेनरेसी क्या होता है, यहाँ पे डी जेनरेसी सीधा होता है एन स्क्वायर, यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है ना, तो सारे ऑब्वियसली, देखो नंबर ऑफ, और हम ऐसा डिफाइन करें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इन अ शेल, एन स्क्वायर ही तो होते हैं, क्योंकि 2n² तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2n² यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 2n² यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल सीधा क्या होगा 2n² / 2। ये समझ में आया भावेश? तुम्हें इस बार समझ में आई है भावेश? ओके ठीक है। पार्थ को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो पार्थ क्या है, यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, ठीक है।
तो जब एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे कि कुछ अलग टाइप का ओरिएंटेशन ले लें, राइट? समझ में आ रही बात? कुछ अलग टाइप का ओरिएंटेशन ले लें। बट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर रिपेल करने वाला कोई ग्रुप हो है ही नहीं, सिर्फ अकेले वही है। तो वो क्या कर सकता है, वो जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है ना, सब जगह जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उन सबकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है। तो जैसे 1s में ये इसकी एनर्जी तो एक ही ऑर्बिटल है, जैसे 2 में चले जाओगे तो 2s और 2p की एनर्जी सेम है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। तो अब देखो ना, n = 2 में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, n = 2 में एवरीबॉडी कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 2s और 2p चार आते हैं। n = 3 में कितने आते हैं, 3s 3p 3d कितने आते हैं, 9 आते हैं। n = 4 में कैसे, ये काउंट करना आ रहा है ना सबको, एवरीबॉडी ये काउंट करना आ रहा है, ठीक है? तो काउंट करना आ रहा है तो फिर काउंट कर लो। तो 1 में आया 1 स्क्वायर, 2 में आया 2 स्क्वायर, 3 में आया f में 7, हाँ f में 7 आएगा, 12 प्लस 1 होता है ना, 2 into 3 प्लस 1 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो 3 में 3 स्क्वायर, 4 में 4 स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये लिख लो सब, राइट इट डाउन नाउ इफ यू। श्रेयस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ही नहीं। 2p में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा ना जब 2s ऑक्यूपाइड हो। इज दैट क्लियर? अरे जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबके लिए बराबर ही है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो कोई रिपल्शन होगा नहीं कि, तो ऑब्वियसली वो कहीं भी जा सकता है। एवरीबडी राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप लोग इसको। डन, स्क्रॉल कर दूं नीचे, ठीक है? ओके, डन। ओके, ठीक है, पार्थ सेज 2 सेकेंड्स, चलो ठीक है, पार्थ वेटिंग कर। एक मिनट, आई एम वेटिंग अ कॉल, जस्ट वेट। Speaking. Yeah, tell me. Post 2:45. Yeah, sure. Okay, well, I have to complete 2 test papers, right? Okay, and how long will it last? Okay. Yeah, sure.
ओके सॉरी, देयर वाज अ फोन कॉल. फाइन, अभी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्सॉर्ब्स अ फोटोन An electron in the ground state of hydrogen atom absorbs a photon of energy is equal to 10.2 electron volt. Calculate the degeneracy of higher energy state. Calculate the degeneracy of higher energy state. देखो ये बहुत easy question है. I hope you can easily solve it. है ना, बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके प्रथमेश, गुड. 4 होगा आंसर, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड. ओके सबका आ गया आंसर, कितने लोगों का नहीं आया? ओके कोई बात नहीं. देखो होता क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? एंड इन द सेकेंड सेल इट विल बी हाउ मच बताओ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लेट्स से वी आर गिविंग द एनर्जी, राइट? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाता है, तो इस केस में कितना एनर्जी हम इसको देंगे बताओ? ठीक है ना, obviously 10.2 इसको दोगे तो ये सेकंड सेल में चला जाएगा. तो अब सेकंड सेल की डीजेनरेसी क्या आएगी? सेकंड सेल की डीजेनरेसी आएगी 2 स्क्वायर, यानी कि 4. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ये कुछ बेसिक चीजें ही थी. हम लोग सब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. और कैसे श्रेयस? देखो n इज इक्वल टू 2 में श्रेयस क्या आएगा? एक तो 2s आ जाएगा और एक 2p आ जाएगा. तो 2s में एक ऑर्बिटल है और 2p में 3 ऑर्बिटल है. और हाइड्रोजन एटम है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो सब बराबर ही होगा. इज दैट क्लियर? तो डीजेनरेसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n स्क्वायर होता है. सो दैट वे, समझ में आया? दैट वे विल कीप अप, विल कीप इट n स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर. ओके और किसी को डाउट है क्या? अभी क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. हमारा टॉपिक है दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है इसमें क्या मतलब है, देखो इसमें सीधा सा ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल आर फिल्ड इन एन ऑर्डर to generate maximum spin multiplicity. देखो इसका क्या मतलब है. See, मान लो जैसे तुम्हारे पास एक configuration है nitrogen का, 1s2, 2s2, 2p3. तो 1s में तो दो इलेक्ट्रॉन हमने डबल ऐसा करके भर दिया, 2s में दो इलेक्ट्रॉन हमने ऐसा करके भर दिया. अब देखो 2p का जो configuration है वो हम एक ऐसे भी भर सकते हैं और दूसरा ऐसे भी भर सकते हैं, राइट? हुंस रूल कहता है ये फॉलो करेंगे और ये फॉलो नहीं करेंगे. देखो स्पिन क्या है, स्पिन होता है 1/2. तो
स्पिन क्या आएगा, टोटल स्पिन क्या आएगा, टोटल स्पिन आएगा एन इंटू वन बाई टू। ये समझ में आया, एन यहां पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ये लिख लिया है सबने, शुड आई स्क्रॉल डाउन, एवरीबॉडी रिटर्न, ओके ठीक है। देखो अब इसको हम समझते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन ए है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब देखो यहां पे स्पिन कितना आया, ये प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, तो ये तो कैंसिल कर दिया ना, ये वाला समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, कैन यू सी द कर्सर, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां पर तो प्लस वन बाई टू कैंसिल हो जाए, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई स्पिन जनरेट नहीं करता ना, तो अब इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ए में स्पिन कितना आया वन बाई टू और बी में स्पिन कितना आया थ्री बाई टू। Everybody is that clear? So total spin hota hai n into 1 by 2 and n is number of unpaired electrons. ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी या फिर बोलो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसको हमने डिफाइन किया 2s plus 1। अब यहां पे s क्या है, s यहां पे है तुम्हारा n into 1 by 2, n क्या है यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही हमने निकाला ना स्पिन, ये निकला और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, n यहां पे क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और देखो कई बार ना इसको हम लिखते हैं मॉड s, क्योंकि यदि ये माइनस वन बाई टू है तो नेगेटिव आ जाएगा, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी पॉजिटिव ही होता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब देखो क्या है, पहले इसको लिख लो, राइट इट डाउन फर्स्ट, मल्टीप्लिसिटी एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ए का वन बाई टू कैसे आया, आयुष ए में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आयुष ए में देखो क्या है, ये प्लस वन बाई टू और ये माइनस वन बाई टू, यहां पे माइनस और प्लस वन बाई टू दोनों है और यहां पे सिर्फ क्या है प्लस वन बाई टू, समझ में आ रही है बात आयुष, इज दैट क्लियर। तो ये इसलिए, और तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जीरो बन जाएगा और यहाँ पे प्लस वन बाई टू है। टोटल स्पिन, टोटल स्पिन का कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है पी थ्री में, ठीक है, पी थ्री में कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला, तो एस कितना आ रहा है, एस आ रहा है थ्री बाई टू, तो टू इंटू एस प्लस वन क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा, यानी टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये कितना आया बताओ, ये आ गया फोर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ। ठीक है, यहां लिख लिया, एवरीबॉडी डन, पहले हम इसको देखो, इन अदर वर्ड्स इसको दूसरे शब्द में कैसे बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स
इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड एंड व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड then pairing of electrons is done, then pairing is done. देखो इसको आसान शब्दों में कैसे समझाते हैं. मान लो तुम्हारे पास तीन कमरे हैं और उसमें तुम्हें लोगों को रखने हैं. तुम ओनर हो, तुम चाहते हो कि तीन कमरों में, तुम्हारे पास तीन कमरे हैं, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, और तीन लोग आएंगे तो तुम क्या करोगे, पहले एक बंदे को यहाँ रखोगे, फिर दूसरे बंदे को यहाँ रखोगे, और तीसरे को यहाँ रखोगे. तुम चाहोगे, देखो यहाँ पर वो जो बंदे हैं वो इलेक्ट्रॉन है तीनों, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना. एवरीबडी इज दैट क्लियर? हमने पढ़ा था कि ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं जिसके थ्रू स्टेबिलिटी बने, राइट? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो भी रूल आएगा वो बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही बनेगा, राइट? एवरीबडी इज दैट क्लियर? स्टेबिलिटी को बढ़ाना ही उसका ऑब्जेक्टिव होगा. अब तुम्हें पता है तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मारपीट करेंगे. मारपीट क्यों करेंगे, मतलब दोनों नेगेटिव चार्ज के हैं तो रिपेल करेंगे ना, तो एक तरह से ऐसा समझते हैं ये मारपीट करने वाले हैं. तो तुम्हारे होटल में तीन कमरे हैं और तीन कमरे में ऐसे तीन लोग आ रहे हैं जो मारपीट कर सकते हैं, तो तुम उनको सिंगल कमरा में रखोगे या अलग अलग रखोगे, बताओ? पहले सिंगल भरोगे या डबल कर दोगे? तो तुम्हारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है कि तीन लोग आ गए तो तुम ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल है. इज दैट क्लियर? ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है. बट मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है P4, तो P4 में भी देखो क्या है. P4 में जैसे एक ये कॉन्सेप्ट है और दूसरा ये एक तरीका है, तो बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला या ये वाला? लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, विच विल बी प्रिफर्ड? ए ना. तो देखो कोशिश यही करते हैं कि पहले सिंगल सिंगल भरो, जब सारा सिंगल भर गया उसके बाद डबल करो, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है, तुम्हें धंधा भी तो करना है, पैसा कमाना है, होटल के ओनर हो. जब तक पॉसिबिलिटी बनता है तुम सिंगल सिंगल भरते हो, और यदि सिंगल सारे भर गए तब तुम डबल पेयरिंग करते हो. चलो इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसमें ऑर्बिटल एक्सचेंज बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट समझाना थोड़ा मुश्किल है और वैसे कोर्स में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट. बता दें पहले इसको लिख लो. पहले थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और इसी तरह से मान लो हमें D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है? तो D5 कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना एवरीबॉडी? क्या ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ? ए वाला पार्ट लिखेंगे या बी वाला? ए ना, ये सही है ये गलत है. उसी तरह D6 लिखना पड़े तो D6 कैसे लिखेंगे? Obviously, ये फॉलो करेंगे और ये फॉलो नहीं करेंगे, राइट? चलो ठीक है, तो ये हो गया बेसिक समझने का. अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है. देखो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, वैसे ये कोर्स में नहीं है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वैसे कोर्स में नहीं है, ठीक है? अब जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ. देखो कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें पंगे पड़े आए. पंगा सबसे पहला ये क्या आ गया, लेट अस सी दिस. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूमता है,
जैसे मान लो तुम्हारे पास एक 30 अपशेल है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहाँ पॉसिबल है, पी में पॉसिबल है, डी में पॉसिबल है, एफ में पॉसिबल है, एस में पॉसिबल है क्या? एस में पॉसिबल है? अरे एस में तो एक ही कमरा है, तुम्हारे पास होटल है एक कमरा है, तो तुम अलग क्या रखोगे? एक बंदा आएगा तो डालोगे, और दूसरा है तो उसको उसमें रखोगे, ऐसे कोई चॉइस है नहीं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का चॉइस जो आता है किसमें आता है? पी, डी और एफ में। अब सारे के सारे लोब्स होते हैं, मतलब कहीं एक लोब आएगा, कहीं दो लोब आएगा, और कहीं तीन लोब आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस। ये सबको समझ में आता है ना, ये वाला पार्ट तो न्यूक्लियस है, इसके आसपास घूमता है। तो अब देखो क्या है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इस तरह से घूम रहा है। तो अब जब यहां पे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, और वो जो लोब बन रहा है वो डंबल के शेप का है, तो इससे तो हमें यही पता चलता है ना, इससे तो हमें यही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता होगा, है ना, और इधर से घूम फिर करके वापस आता होगा इस तरफ में, तभी तो ऐसा कुछ लोब बन रहा है। मतलब इधर से घूम करके फिर इधर आता होगा, तभी तो इस तरह का लोब बन रहा है। इज दैट क्लियर? तभी तो इस तरह का लोब बन रहा है। तो क्या ये न्यूक्लियस से क्रॉस करता होगा? इसका मतलब, जिसका मतलब क्या ये न्यूक्लियस से क्रॉस करता होगा? अब सवाल ये है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बोला गया था कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो ये कैसे न्यूक्लियस से पास हो सकता है? अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वैसे ये कोर्स में नहीं है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से घूम के इधर जाता है तो न्यूक्लियस से तो गुजरता ही होगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकता, तो यहां फिर आ जाता है कंट्राडिक्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है पता है? इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के बाहर होता है पार्शियल वेव, और न्यूक्लियस पे बन जाता है प्योर वेव, और फिर वापस जाता है। अब देखो क्या जुगाड़ दिया गया है इसके लिए, इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि न्यूक्लियस जो है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है पार्शियल वेव, और जब वो न्यूक्लियस से गुजरेगा तो वो बन जाएगा प्योर वेव। प्योर वेव का मतलब क्या है? वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डीलोकलाइज हो, कहीं भी जा सकता है, और फिर वापस इधर आया तो पार्शियल वेव। मतलब ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे है ही नहीं, ये तो डीलोकलाइज है इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो ये थ्योरेटिकल जुगाड़ है जो बताया गया था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि न्यूक्लियस के बाहर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल जाएंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोल दिया प्योर वेव। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या थ्योरेटिकल जुगाड़ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर निकलता है तो पार्शियल वेव, और अंदर गया तो प्योर वेव। इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वापस इधर इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता ही नहीं है अंदर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बन जाएगा। ये एक जुगाड़ है। यहां पे जब आएगा तो मास जीरो हो जाएगा इसका, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर निकलेगा फिर इलेक्ट्रॉन बन के। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में घुसेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में घुसा तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, कुछ और बन गया। तो अभी इसमें और चीजें हैं, और तुमने तो पूछा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, अब कहानी में थोड़ा और है। मान लो ये अपने पास एक पी सबशेल है जो कुछ इस तरह का होगा, राइट? अपने पास पी सबशेल है जो कुछ इस तरह का होगा, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब देखो क्या कहानी है, अब यहां ध्यान से सुनो, फिर यदि सुनना चाहते हो। मान लो जैसे पी एक्स इधर से घूमा और यहां पे पहुंचा, पी वाई इधर से घूमा यहां पे पहुंचा, पी जेड यहां से घूमा और यहां पहुंचा, तो अब तीनों तो इस पॉइंट पे प्योर वेव बन रहे होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे पी एक्स ऐसे घूम रहा है और यहां पे प्योर वेव बन गया, ये पी एक्स की ओरिएंटेशन है मान लो। तो अब जब ये प्योर वेव बन के निकलेगा तो जरूरी है एक्स में ही जाए, ये तो वाई में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना ओरिएंटेशन, ये तो जेड में भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, ये जरूरी थोड़ी है पी एक्स में ही जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्योर वेव बना तो ये तो एक्स में जाए जरूरी है, ये वाई में और जेड में भी जा सकता है, कहीं से भी निकल जाएगा अब तो, प्योर वेव कहीं भी जा सकता है।
तो अब ये ज्यादा स्टेबल कब होगा पता है? ये ज्यादा स्टेबल तब होगा जब दोनों हाफ फिल्ड होंगे। अब ये समझ में आया, आधा आधा भरा रहेगा ना तो एक्सचेंज करने में आसानी होगी, यानी इधर से घूम करके इधर भी जा जाएगा, इधर से घूम के इधर भी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? नहीं आया? एक्सचेंज विल बी पॉसिबल, और इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अलग अलग ऑर्बिटल में। मतलब देखो, समझने की कोशिश करो, हमारे पास तीन मारपीट करने वाले लोग हैं। इसको कुछ इच्छा हुई बाहर, सपोज टॉयलेट गया और ये भी टॉयलेट गया, और कमरे एक जैसे हैं तो इनके कमरे बदल गए। जैसे ये यहाँ था तो यहाँ आ गया, 1 से 2 में चला गया, और ये 2 से 1 में चला गया, इनको पता भी नहीं चला। तो ये एक्सचेंज कब पॉसिबल है? ये एक्सचेंज तभी पॉसिबल है ना जब कमरे में एक एक लोग रहेंगे, ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा, तो रूम एक्सचेंज हो सकता है। बट यदि इसमें दो दो लोग रहेंगे तो एक्सचेंज हो सकता है क्या? तो एक्सचेंज तब पॉसिबल है ना जब सिंगल सिंगल भरा हुआ हो। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब ऑर्बिटल बदल देना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब होगा मैक्सिमम बताओ? जब सिंगली फील्ड होंगे। तो ये एक्चुअल मीनिंग है इसका, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, सिलेबस में नहीं। बेसिक मतलब ऑर्बिटल एक्सचेंज को बोलते हैं, मतलब हाफ फील्ड में ऑर्बिटल एक्सचेंज हो जाता है उसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फुल्ली फील्ड होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, एस में नहीं होगा पार्थ, पी डी और एफ में ही होगा। अरे फुल्ली फील्ड में तो भरा हुआ रहेगा ना, घुसने ही नहीं देगा दूसरे को, रिपेल करता रहेगा वो। आगे बढ़ जाए, अब लिखना है। एवरीवन डू वांट टू राइट दिस? हाँ ओके ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। अब देखो हमारा लास्ट रूल क्या है, इट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमारा जो लास्ट रूल है वह है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब समझ में आया एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देखो एक्चुअली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, एन एल एम एल और एम एस। ये चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं क्या? एवरीबॉडी ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम हो सकते हैं? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हो सकता है एक दो सेम हो जाए, बट चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। लेट अस सी कैसे। जैसे देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे क्या? ये 1s है तो हम लिखेंगे 1s के लिए क्या, n इसके लिए क्या है बताओ? 1 है। एवरीबॉडी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n 1 है, l क्या होगा बताओ? एल होगा 0, एम एल क्या होगा? 0, और एम एस सपोज हम +1/2 लिख देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम, तो हीलियम में हो जाएगा 1s2, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ये हमने लिखा किसके लिए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी ये वाला जो डाउन स्पिन गया है ना, उसके लिए एन क्या है बताओ? सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन का तो वही होगा ना जो ऊपर हमने लिखा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? पहले वाले इलेक्ट्रॉन का तो वही होगा जो हमने ऊपर लिखा है। एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का यहां भी वही होगा ना? तो अब देखो इसका एन क्या आएगा? इसका एन आएगा 1, एल आएगा 0, एल 0 आएगा, ये समझ में आ रहा है? एस ऑर्बिटल है। एम एल क्या आएगा? 0, और एम एस इस बार क्या लिखेंगे हम?
एमएस क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई टू। तो देखो इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम है क्या, तीन सेम है और चौथा अलग है, राइट। एवरीबडी इज दैट क्लियर, तीन ही सेम है ना। अब मान लो हम बात कर लेते हैं हीलियम के बाद बात कर लेते हैं लिथियम की, तो ये आएगा 1s 2 और 2s 1, ठीक है, 1s 2 और 2s 1। तो इसमें जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेट्स अस टॉक अबाउट थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या है बताओ, 2 है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये स्टेटमेंट सबने लिख लिया, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सबने लिख लिया है क्या? ओके, एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। एल क्या है इस केस में, एल 1 है। अरे 2s में s के लिए l क्या होगा, 0। ml क्या है, 0, और ms क्या है, प्लस 1/2। उसी तरह बेरिलियम की बात करें यदि हम, ऊपर वाला पार्ट सबने लिख लिया है ना, नीचे स्क्रॉल कर दूं मैं, एवरीबॉडी कैन यू स्क्रॉल डाउन। ओके, तो अब देखो बेरिलियम की बात करते हैं, 1s2 2s2। ms कैसे निकाला, अरे हीलियम में एक अप है तो दूसरा डाउन होगा ना भावेश, ये बात समझ में आ रही है, एक यदि अप स्पिन है तो दूसरा तो डाउन होगा ना भावेश, एक इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट ओरिएंटेशन में जाता है एक ऑर्बिटल के अंदर, तो एक को यदि हमने अप स्पिन दिखाया है तो दूसरे को क्या दिखाएंगे, डाउन दिखाएंगे, इस तरह से कर रहे हैं। तो अब तुम लोग बताते जाओ, अब इसमें आई थिंक फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए तुम लोग अब बता सकते हो, क्योंकि थर्ड तक तो ऊपर वाला ही चलेगा, ये है फोर्थ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होगा, 2, एल क्या होगा, 0, एम एल क्या होगा, 0, और एम एस क्या होगा, माइनस 1/2। अब कॉमा करके लिखते जाओ सबके लिए, नेक्स्ट ये आएगा बेरिलियम के बाद बोरॉन, 1s2 2s2 2p। अब देखो जरूरी नहीं है माइनस एल 0 प्लस एल, ये इसी ऑर्डर में लिखे, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सपोज यहां आया, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या है बताओ, n क्या है इसके लिए, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, n 2 है, l क्या है, 1 है, ml क्या है बताओ, ml माइनस 1, कोई एक वैल्यू होगा, माइनस 1 ले लेते हैं, तो ms क्या आएगा, प्लस 1/2। तो अब देखो चारों क्वांटम नंबर किसी के भी सेम है क्या, एवरीबडी चारों क्वांटम नंबर किसी के भी सेम हैं, तो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो राइट इट डाउन। अच्छा एक काम करो, 10 तक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन वैल्यूज ऑफ ऑल, रजत स्क्रॉल करो ऊपर, और ऊपर करूं रजत, डन, ठीक है, राइट ऑन वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लेट्स से 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ठीक है, ये एक बार ट्राई करो,
सारे क्वांटम नंबर्स बताने हैं सारे, 2, 1, 0, ठीक है चलेगा, जो तू लोग दे रहे हो दैट विल बी ओके, चल जाएगा, ठीक है सही है। प्रथमेश एंड शरायु, योर आंसर इज करेक्ट, गुड। ओके डन। देखो हम बात कर लें इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो 10th इलेक्ट्रॉन कौन है बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो ये है ना 10th इलेक्ट्रॉन जो 2p6 में गया, ये है 10th इलेक्ट्रॉन राइट। 3s1 वाला तो 11th इलेक्ट्रॉन है, एवरीबडी इज दैट क्लियर? 3s1 वाला तो 11th इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n क्या है इसके लिए, 2 है, l क्या है, 1 है क्योंकि p ऑर्बिटल है, ml कुछ भी ले सकते हो, +1 ले लो, -1 जीरोस, और ms लेसन डाउन स्पिन है तो -1/2 ले लो। एवरीबडी इज दैट क्लियर? ओके देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट का ही है, क्वेश्चन 9 है फ्रॉम इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, ये ट्राई करोगे क्या? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन 9 मैं लिख दूं या फिर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन लिख दूं क्या? ठीक है ठीक है, फिर इसको ट्राई करो, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन 9। ये तो बुकलेट सबको हार्ड कॉपी मिल गए ना, कॉपीज तो अब मिलने लगे हैं। क्वेश्चन है द पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and +1, सी है 3 and -1, और डी जो है, एक सेकंड, डी है 1 and -1। ओके डी होगा आंसर वैसे। ओके देखते हैं कैसे, हम यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सीएल माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो 3p6 में जाएगा, तो ये है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए n क्या है बताओ? ये -1, 0, +1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, n हो जाएगा 3, l हो जाएगा 1, और ml क्या आएगा? -1 ना। Everybody is that clear? Everybody is that clear? अरे Cl minus में एक additional electron आता है, तभी वो Cl से Cl minus बनेगा ना। Okay, एक छोटा सा question है। How many electrons in neon atom have ms is equal to +1/2,
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर 0 से 9 तक है। एल इज इक्वल टू 1 कैसे? अरे एल इज इक्वल टू 1 क्योंकि पी है ना, और पी के लिए जैसे एल इज इक्वल टू 1 है तो ML की वैल्यूज -1, 0 और +1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहां तो हम लोग ये जानते हैं ना कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो ML होता है, दिस इज अ नॉन बोल सकते हो अनऑर्डर्ड सेट, इज दैट क्लियर? अरे p ऑर्बिटल के लिए L क्या होगा? 1 होगा ना, एक लोब होता है इसमें। तो ML का जैसे तुम्हारा एक सेट है -1, 0 और +1, तो जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में होगा, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, अनऑर्डर्ड होता है। हम उल्टा भी लिख सकते हैं 0 -1 +1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 -1, तो ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है, इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ सही है, कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, सुमति गुड, रेवती श्रेयस वेरी गुड। Everybody, बाकी लोग का आंसर आया? Everybody आंसर आया? चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया। देखो नियॉन जो है 10 है, 1s2, 2s2, 2p6, तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। Everybody, is that clear now? तो अब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 के स्पिन होंगे +1/2 और 5 के होंगे -1/2, इज दैट क्लियर? रिटर्न देखो क्वेश्चन है सीधा सा, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for elements having atomic numbers 1 to 30. 1 to 20 तो सबको याद है ना, सबको एटॉमिक नंबर 1 से 20 सबको याद है ना एवरीबडी, 1 से 30 आपको याद रखना है वैसे, 1 से 20 तक सबको याद है, 21 से 30 याद है सबको, देखो तुम्हें 21 से 30 भी याद करना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, फिर क्या आएगा मैंगनीज, फिर आएगा क्या आयरन, देन आयरन के बाद क्या आएगा कोबाल्ट, निकेल, फिर क्या आएगा कॉपर एंड लास्ट में आ जाएगा जिंक, लास्ट में आएगा जिंक। इसका निमोनिक है, निमोनिक बताया था मैंने, निमोनिक कब बताया था, इस क्लास में तो नहीं बताया, देखो इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे कर सकते हो, ये सीक्वेंस देखो क्या है, सीक्वेंस क्या है इस तरह का, ठीक है सीक्वेंस कुछ इस तरह का है, इसको याद कैसे करेंगे देखो, कौन सा इसके लिए एक निमोनिक बनाएंगे, निमोनिक क्या है, निमोनिक रेडी टू लर्न मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल जिससे हमें याद करने में सुविधा हो, ठीक है। इसको हम कैसे समझते हैं, देखो एक साइंस टीचर है जो कि बहुत निर्दयी है, इज वेरी क्रूअल, ही ऑलवेज आस्क फॉर फी and he wants his students to be ready with neat and clean copies. तो इसका mnemonic ऐसा है, देखो क्या है, science teacher, science titanium stands for teacher, v vanadium stands for very and cr stands for cruel, science teacher is very cruel. mn क्या है यहाँ पे, mn ऐसा ही लिखते हैं, मांगे fee, fee क्या है fees, पैसा मांग रहा है, is asking for money. He wants you to keep your copy neat. देखो निकेल and देखो chemistry lab में क्या होता है ना, compulsory होता है जूते पहन के जाना। Have you ever been to a chemistry lab?
तो वहां पे कंपलसरी भी होता है लैब में जूता, तो इसको ऐसा बना दिया कंपलसरी जूता, स्टैंड फॉर जिंक। तो ऐसे याद कर सकते हो तुम, साइंस टीचर वेरी फ्यूएल, मांगे फीस, कॉपी नीड एंड कंपलसरी जूता। या लैब वाला केस बना लो कि लैब में भी क्या चाहिए हमें, लैब में भी कॉपी नीट एंड क्लीन चाहिए और जूता कंपलसरी है। तो यू कैन कंसिडर इट टू बी योर लैब अटेंडेंट एज वेल, ही विल ऑल्सो पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट वे विल बी एबल टू मेमोराइज। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नीड, कंपलसरी जूता, याद हो जाएगा एवरीबडी, याद हो जाएगा ना? ठीक है, फिर इसको लिख लो निमोनिक को। कॉपी के बाद, कॉपी नीट है ये, निकेल के लिए ये कॉपी नीट है, निकेल के लिए नीट, कॉपी नीट मतलब साफ सुथरा। एवरीबडी डन, एवरीडे सबने लिख लिया? चलो तो अब हम एक काम करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशंस नाउ। हाइड्रोजन 1 से लेकर 20 तो सबने लिख लिया है ना, 1 से 20 तो हमने कर लिया था पहले, हम 21 से 30 करें क्या? चलो फिर से ही कर लेते हैं। देखो या फिर सोडियम से, देखो नियॉन से चालू करते हैं। नियॉन 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी होता है। सोडियम कैसे लिखेंगे? नियॉन 3s1, ये समझ में आया? इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन 3s1 का मतलब क्या? नियॉन के जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करता है ना, तो नियॉन के बाद 3s1। मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे? नियॉन 3s2। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे बार बार लिखना पड़ता है ना हमें, इसलिए हमने सीधा नियॉन लिख दिया, नियॉन के बाद 3s2। फिर सपोज एल्यूमिनियम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? नियॉन के बाद 3s2, 3p1, क्योंकि हमें फिर से शुरू से लिखना पड़ जाएगा 1s2, 2s2 इस तरह से। फिर यदि हम बात करें सिलिकॉन का, ये आएगा नियॉन 3s2, 3p2। फिर यदि हम बात करें किसका, फास्फोरस का, तो वो क्या आएगा? नियॉन 3s2, 3p3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? फास्फोरस क्या आएगा? सल्फर, नियॉन 3s2, 3p4। फिर आएगा क्लोरीन, नियॉन 3s2, 3p5। क्या आएगा? आर्गन, नियॉन 3s2, 3p6। आर्गन के बाद पोटेशियम आएगा ना, पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे पता है? आर्गन 4s1। और कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। ये तो 1 से 20 हो गया, ये हो गया 1 से 20। हम इधर बात कर ले 21 से 30। 21 पे क्या है? स्कैंडियम। तो आर्गन 4s2 3d1, ये समझ में आया कैसे लिखा? एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी ये समझ में आया स्कैंडियम वाला? फिर क्या आएगा? 4s2 3d2। फिर क्या आएगा? 4s2 3d3, 4s2 3d4। देखो यहां पे ये सोचा जाता है बट एक्चुअली में ये होता नहीं है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। विल सी क्या है यहाँ पे, यहाँ 4s2 3d5, ये दो एक्सेप्शन आ जाएंगे, एक दूसरा भी आएगा 4s2 3d6।
ये क्या आएगा, 4s 2 3d 7, 4s 2 3d 8, यहां तुम्हें लगेगा 4s 2 3d 9 है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी 3d 9 नहीं होता, ये 4s 2 3d 10 होता है। तो ये तो देखेंगे कैसे एक्सेप्शन है, बाकी आप लिख लीजिए, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, कॉपर और क्रोमियम का खास ख्याल रखना है, क्रोमियम और कॉपर ये ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी रिटन, तो एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, आर्गन 4s 1 3d 5 और इसका होता है 4s 1 3d 10, दिस इज 4s 1 3d 5 एंड दिस इज 4s 1 3d 10। अब ये एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया अपना, ये पहले सब लोग लिख लीजिए। हाँ पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट एवरीबॉडी, ये सब लोग लिख लिया, सब किसी को कुछ लिखने का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए अभी इसको नहीं कर पाएंगे डिस्कस। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने पढ़ा कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है राइट, वो एक्सेप्शनल क्यों होता है, क्या रीजन है ऐसा एक्सेप्शन जनरेट क्यों हुआ, Why is that exception being generated? ये हम next class में cover करेंगे, ठीक है? Everybody is that clear? तो एक काम करो, कुछ questions कर लो, एक question कर लेते हैं, अभी हमारे पास 3 मिनट है, एक question कर ले, 3 मिनट है हमारे पास, हाँ वो discuss करेंगे next class में। Question है, how many electrons have L is equal to 0 in calcium? Calcium के atom में कितने electrons के लिए L is equal to 0 होगा? एवरीबडी बताइए, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो L is equal to 0 मतलब S subshell ना, तो S subshell में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां 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 2, 2, 2, 2, कितने हो गए एवरीबडी, कितने हो गए बताओ, 8 हो गए। तो हमारा आंसर क्या है, 8 है राइट, ओके। अब इसी में इसी का नेक्स्ट पार्ट, 8 में किसी को डाउट है क्या, कैल्शियम एटम हाउ मेनी, क्वेश्चन ही है इन कैल्शियम एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स have L is equal to, let's say, sorry, have ML is equal to 0, ये बताओ। नहीं 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 अरे देखो S वाले तो सारे, हाँ गुड 12 होगा आंसर, देखो S वाले तो जो भी हैं उनका ML 0 ही होगा, S वाले तो सबका 0 होगा ना। अब देखो अभी 2P की बात कर लें, देखो 1S के लिए तो ML 0 ही है, 2S के लिए भी ML 0 ही है,
ठीक है, एक हेलो हेलो, यस स्पीकिंग, जहाँ ओके ठीक ओके ओके फाइन फाइन या श्योर फाइन 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 ओके थैंक यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आंसर आया सबका? ओके आंसर आया सबका। ओके -1 0 +1 फाइन। देखो आंसर एक्चुअली में इसका 12 है। देखो अब बताओ कितने मिल गए। देखो यहां से दो 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 चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह, आंसर है 12। एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? सो आवर आंसर इज 12। फाइन, सो चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? ठीक है फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज मत भेजना श्रेयस, मतलब फ्राइडे को भेज देना। फ्राइडे या फिर सैटरडे को भेजो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो नेटवर्क का रहता है, मोबाइल नहीं है मेरे पास में। सैटरडे को भेज देना, डाउट रहेगा तो। होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा।